नमस्कार, भारतवर्ष YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में होने वाला एक वैश्विक युद्ध था, जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। ऐसे महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध ने 6 करोड़ यूरोपीय व्यक्तियों सहित 7 करोड़ से अधिक सैन्यकर्मियों को एकत्र करने का नेतृत्व किया, जो इसे इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक बनाता है। इतिहास के सबसे घातक संघर्षों में एक था, जिसमें अनुमानित 9 करोड़ सिपाहियों की मौत और युद्ध के प्रत्यक्ष परिणाम के अनुसार 1.3 करोड़ नागरिकों की मृत्यु हुई थी। जबकि 1918 के स्पेनिश फ्लू महामारी ने दुनिया भर में 1.7 से 10 करोड़ की मौत का कारण बना, जिसमें यूरोप में अनुमानित 26.4 लाख मौतें और संयुक्त राज्य में 6.75 लाख स्पेनिश फ्लू से हुई या पूरी तरह से 1919 में खत्म हुई। 28 जून 1914 को बोस्निया के सर्ब यूगोस्लाव राष्ट्रवादी गैब्रिलो प्रिंसिपल ने साराजेवो में ऑस्ट्रो हंगरियन वारिस आर्च ड्यूक फ्रांज फर्नेडेट की हत्या कर दी, जिससे जुलाई संकट पैदा हो गया। इसके उत्तर में ऑस्ट्रिया हंगरी ने 23 जुलाई को सर्बिया को एक अंतिम चेतावनी जारी कर दी। सर्बिया का उत्तर ऑस्ट्रियाई लोगों को संतुष्ट करने में विफल रहा और दोनों युद्ध स्तर पर चले गए। गठबंधनों के एक संजाल ने बालकन में द्विपक्षीय मुद्दे से यूरोप के अधिकांश भाग को संकट में डाल दिया। जुलाई 1914 तक यूरोप की महाशक्तियों को 2 गठबंधन में विभाजित किया गया था, ट्रिपल एंटेटे जिसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल थे, तथा ट्रिपल अलायंस जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। ट्रिपल अलायंस की प्रकृति केवल रक्षात्मक थी, जिसमें इटली को अप्रैल 1915 तक युद्ध से बाहर रहने की अनुमति मिली, जब वो ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ अपने संबंधों के बिगड़ने के बाद मित्र देशों की शक्तियों में शामिल हो गया। रूस ने सर्बिया का वापस लेने की आवश्यकता महसूस की और 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी के बेलग्रेड की राजधानी सर्बिया पर गोलाबारी के बाद आंशिक रूप से एकत्रीकरण की मंजूरी दी। औद्योगिक क्रांति के कारण सभी देश ऐसे उपनिवेश चाहते थे जहां से वे कच्चा माल पा सके और सभी देश उनके बनाई तथा मशीनों से बनाई हुई चीज़ें बेच सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर देश दूसरे देश पर साम्राज्य स्थापित करने की चाहत रखने लगा। इसके लिए सैन्य शक्ति बढ़ाई गई और गुप्त कूटनीतियां संधियां की गई। इसमें राष्ट्रों में अविश्वास और विमर्श बढ़ा और युद्ध अनिवार्य हो गया। ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्नेडेट और उनकी पत्नी का वध इस युद्ध का तत्कालीन कारण था। यह घटना 28 जून 1914 को सराजोवे में हुई थी। एक मास के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने सर्बिया की सहायता की और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की। अगस्त में जापान, ब्रिटेन आदि की ओर से कुछ समय बाद उस्मानिया जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हुए। जर्मनी ने फ्रांस की ओर बढ़ने से पूर्व तटस्थ बेल्जियम और लग्जमबर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उस्मानिया द्वारा ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और जापान के खिलाफ तथा 1917 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हो गया। यह युद्ध यूरोप, एशिया व अफ्रीका तीनों महाद्वीप जल, थल तथा आकाश में लड़ा गया। प्रारंभ में जर्मनी की जीत हुई। 1917 में जर्मनी ने अनेक व्यापारी जहाजों को डुबोया। एक बार जर्मनी ने इंग्लैंड की लुसिटीनिया जहाज को अपने पनडुब्बी से डुबो दी, जिसमें कुछ अमेरिकी नागरिक सवार थे। इससे अमेरिका ब्रिटेन की ओर से युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन रूसी क्रांति के कारण रूस महायुद्ध से अलग हुआ। 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने जर्मनी आदि राष्ट्रों को पराजित किया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की प्रार्थना पर 11 नवंबर 1918 को युद्ध की समाप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।